फाइट अभी 2v2 की है, तो स्काइलाइट्स द मोस्ट कंसिस्टेंट, 7 सीज द अग्रेसिव नेचर वाली जो टीम है, जो अभी तक के लिए काफी अग्रेसिव स्टांस के साथ खेलती हुई देखने को मिल रही है। इन दोनों की फाइट यहां पर देखने में अलग ही लेवल का मजा आने वाला है। दो खिलाड़ी वहां पर कवर के पीछे है, दोनों के पास अभी सर्कल भी है, एक और शिफ्ट आएगा, सर्कल किसके पास आएगा, देखने वाली टीम पर पता नहीं लगता, हालांकि इनको सर्कल की कोई खास जरूरत है, नॉक निकाला गया है वहां पर, स्लैम डालने की बारी यहां पर आ जाती है, लुक एट द फिनिश पॉइंट, 23 फिनिश पॉइंट यहां पर 7 सीज की टीम के पास, अरे गॉड हो गया यार, एक ग्रेनेड 25 फिनिश पॉइंट का ये चिकन डिनर, टीम 7 सीज का इंतजार करता हुआ बैक टू बैक ग्रेनेड स्पैम किए जाने वाले, जो प्लेयर नॉक आउट रिवाइवल भी मिल जाएगा, बैक टू 3v2 का ये फाइट, अलादीन के ग्रेनेड्स कनेक्शन कई बार नहीं भी ढूंढ पा रहे, पेड़ के पीछे बैक टू बैक ग्रेनेड्स किए जाने वाले हैं, बट यू नो अभी भी मोमेंटम शिफ्ट हो सकता है, जो एक नॉक हुआ था वो वापस रिवाइवल लेके जा चुका है, और एक बार 25 फिनिशेस का चिकन डिनर, 14 स्काईलाइट्स, 14-7 सीज़, आई वुड से माय गॉड, मतलब हर जो जगह पर फाइट हुई है वहां पर 7 सीज़ का नाम आ रहा था, ये हम देख रहे थे, बट 23 फिनिशेस, आई थिंक छलांग हो तो ऐसी हो यार। देखिए भाई भी हम उनकी फिनिशेस की जिक्र कर रहे थे, बट उनके नंबर ऑफ फिनिश पे हमने ध्यान नहीं दिया, मैच इतना इंटेंस चल रहा था, हमने वहां पर नंबर ऑफ फिनिश उनके देख ही नहीं पाए, और मैंने भी भाई को दिखाया, मैं भी जरा फिनिश पे नजर दौड़ाइए, एंड ये देखिए काफी अच्छी खुशी उनको यहां पर मिलती है, और एक ये जो परफॉर्मेंस है, मतलब अगर मैं बात करूं 40 तक यहां पर लेके जाने वाला है और रिकॉर्ड ब्रेक करा है, देखिए इससे पहले हम बात करूं जो हाईएस्ट फिनिश हमें इस इवेंट में देखने मिला वो है 19 फिनिशेस टीम आईडी ने निकाल के दिखाया था, बट यहां पर रिकॉर्ड ब्रेक किया गया 25 फिनिश के साथ, मतलब ओवरऑल अगर बात करूं 40 अंक वो ऐड करने वाले और शतक लग चुके हैं पर पॉइंट टेबल में उनका ओवरऑल स्टैंडिंग के लिए। नॉर्थ वेस्ट एरिया से एंट्री पॉइंट उतना भी क्लियर नहीं होगा, बिकॉज वहां से ऑरेंज रॉक भी उन्हें ब्लॉक कर सकती है, टीएसएन के प्लेयर्स भी वहां पर आपको आते हुए देखने को मिल सकते हैं, सो यस उन पर भी एक नजर मैं रखना चाहूंगा, बट नजर आप डाल सकते हैं यहां पर जोनाथन की तरफ, जिन्होंने एक नाम निकाला जरूर से, बट आईजीएल उन्हें इंस्टेंटली पनिश कर देंगे, और दोनों ही टीम से रेवरेंट और गॉड लाइक की टीम से, दोनों ही टीम से गाइस एक एक प्लेयर अभी के लिए नॉकआउट हो चुका है। स्लैमिन की प्रक्रिया मेरे ख्याल से यहां पर 8 बिट की तरफ से शुरू हो चुकी है, मिड रेंज के अंदर यहां पर नॉकआउट किया गया था, वहां पर टीएसएन के प्लेयर सोल को भी डाउन कर देंगे, एक्जैक्टली व्हाट आई सेड कि नॉर्थ वेस्ट एरिया उतना भी खाली नहीं होगा, वहां से टीएसएन भी आना है, ऑन टू द अदर साइड नियो बैक टू बैक ग्रेनेड्स करते हैं, स्काउट को भी नॉक कर दिया जाता है, गॉडल के नियो का यहां पर ग्रेनेड जाता है, टॉप लेवल पे डाउन कर देगा, स्नैप डाउन टू द अदर साइड, वहां पर डीपी का कमाल दिखाते हुए स्काउट पूरे तरीके से फिनिश अप कर दिया जाता है, बट टीम सोल अब सिर्फ दो ही खिलाड़ियों के साथ डुओ डोमिनेशन, एंड वी हैव मॉर्टल एंड रेगल टॉस जो इस शॉट पर होल्ड करना चाहता रहे, बट पीछे से गाड़ियां आ रही है जो इन्हें चेस करेंगे, एंड इट्स नन अदर देन ऑल इन ड्रॉप जो यहां पर स्नैप डालने वाली है, ये बहुत बड़ा अपसेट रहेगा टीम्स के लिए। देखिए हुआ क्या यहाँ पर, स्लैमिन आते हैं डॉट एचपी का, तो पहले 1v2 निकालते हैं, नॉकआउट वहां पर निकालते हैं, मॉडल की यहाँ पर थिंगी रहती है, उन दोनों नॉकआउट खिलाड़ी को अपने नाम, मतलब उनको फिनिश है वो अपने नाम करना, ताकि कोई फिनिश स्टेल ना कर पाए, शायद उस समय पे रेगल टॉस को उस शेक के अंदर चलाया था, खुद को ही कब करना चाहिए था, हर तरफ से खिलाड़ी वहां पर थे, और जैसे आपने बोला 7C आखिरी हंसी हंसते हैं, तो और क्यों भी ना हंसे, क्योंकि उनके सामने वो फाइट हो रही है, उन्होंने देखा वहां पर फाइट हुई है, और उनके लिए खाली बस एक फायर करना था, बट उनको ये नहीं पता था कि कितनी एक ही बुलेट में फिनिश हो सकता है बंदा, और वो हुआ भी वहां पर एक्सैक्टली यहाँ पर चीजें फेवर में जाती भी नहीं देखी है। गॉड लाइक की अगर आप बात करेंगे, सामने आपको 8 बिट के प्लेयर्स मिल जाएंगे, और जोन की बात करें तो बिल्कुल सेंट्रलाइज एरिया पर आपको गॉड लाइक की टीम मिल जाएगी, 8 बिट के पास एक बेहतर स्पॉट, एस्टिक्स की टीम भी यू नो काफी अच्छे स्पॉट पर है गेम जो, और 7 सीज़ की टीम क्या एंजॉय कर रही है, उन्हें पता है कि उनकी बैक क्लियर है, पानी से जो भी आएगा उन्हें हम टेक डाउन कर देंगे, और जो भी रोटेशनल क्लैश के बीच में यू नो फाइट्स लेने का मौका मिलेगा वो हाफ बैटल में मिड रेंज के अंदर मौका बन सकता है, बट क्लैश गॉड पे दैट डीपी कहीं ना कहीं वो जो हाई हेलो होनी शुरू हो चुकी है डीपी से, उधर से अक्षु, उधर से क्लैश गॉड, एंड सोनिक फॉक्स तो कोशिश कर रहे हैं कि बिल्कुल बीचों बीच पहुंच सके, स्काईलाइट्स की बात करते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न साइड की तरफ से एंट्री लेते नजर आ सकते हैं, रोटेशन क्लैश में हो सकता है कि टीम एनिग्मा के साथ यहाँ पर फाइट हो जाए, लेकिन ये जो सदर्न वेस्टर्न साइड सदर्न ईस्टर्न साइड का जो रीजन है यहाँ पर बहुत ही बड़ा क्लस्टर रेवेनेंट है, यहाँ पर टीम गॉडलाइक है, टीम 8 बिट है, साथ साथ हो सकता है टीम सेल्सियस भी यहाँ पर फाइट में जुटती नजर आ जाए, बट अभी माइंड पे क्या चल रहा हो कि फाइट लेने बढ़ना है आगे, क्योंकि टीम्स की अगर बात करें माई भी अभी भी 16 टीम स्टिल अलाइव है यहाँ पर, बिल्कुल अभी तक सिर्फ हमारे पास दो ही टीम्स ऐसी हैं जो इस मैच से एलिमिनेट हो चुकी हैं, ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स यहाँ पर आप नंबर में देखें तो कम है, एक आपको टीम सोल मिलेगी और दो प्लेयर्स यहाँ पर ऑरेंज रॉक के डाउन हो चुके हैं, साथ में एफएनएलएस की टीम को हमने अर्ली इन द मैच डाउन होते हुए देखा था, जी और वो जो स्लैमिन आया था माई भी आई गेस मेरे ख्याल से टीम ऑरेंज रॉक की तरफ से आया था, जिसमें रेगल टॉस ने वहां पर दो मॉडल ने दोनों डाउन कर दिए थे, जी हाँ बिल्कुल मॉडल ने वहां पर दोनों प्लेयर्स को डाउन कर दिया था, वो फिनिश पॉइंट सिक्योर करने के लिए ही बाहर गए थे, जिसमें वो सक्षम तो हो गए थे, बट पीछे से 7 सीज़ के प्लेयर्स ने जो वहां पर थर्ड पार्टी करनी, वरना वहां शायद दोनों प्लेयर्स को रिवाइवल आराम से मिलने के बाद टाइम मिल सकता था हील अप करने का, उनके
टीम गॉड लाइक के प्लेयर्स स्लैम डालना ऑप्शन हो सकता है, बिकॉज कहीं ना कहीं यहाँ पर मौका बनाया जा सकता है स्लैम का भी, जोन के अंदर भी जाना है। क्या लगता है गेम जो जब तक गॉड लाइक की टीम सर्कल के अंदर है बाहर निकल कर जाने का अच्छा ऑप्शन हो सकता है जीएक्सआर के एंड से कमिंग आउट ऑफ नोवेयर, और इसलिए वुडन शैक के अंदर होल्ड करना एक अच्छा डिसीजन नहीं होता बिकॉज बीच बीच में थोड़े बहुत गैप्स रहते हैं जिसमें एम असिस्ट कई बार काम कर जाता है। अच्छा वो वहाँ पर एक वो बोल सकते थोड़ा सा लक फैक्टर भी हम वहाँ पर मैं बात करना चाहूंगा। अभी अगले टीम आईडी वर्सेस टीम राइवलरी स्पोर्ट्स, तो कुछ ही देर हम इसका इनका टीम का क्रिकेट भी कर रहे थे कि ये टीम बहुत ही काफी जोर के पास में आ चुकी है, लेकिन अभी अगले 44 की फाइट लेट्स सी टीम आईडी अपने नाम कर पाएगी नहीं, और थिंकिंग क्या है टीम की फाइटिंग स्किल्स भी करते हुए नजर आए टीम राइवलरी, लेकिन मुझे लग नहीं रहा यहाँ पर आईएनडी फाइट लेते ही यहाँ पर दम आपको नजर आ सकती है। आतंक की भी यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कुछ कवर भी क्रिएट कर सके और साथ साथ फाइट भी यहाँ पर इनिशिएट कर सके, लेकिन माय भी क्या लगता है कि किसका पहला नॉकआउट यहाँ पर निकलने की आपको लग रहा है यहाँ पर 8 के प्लेयर्स मेरे हिसाब से यहाँ पर अभी तक मिड रेंज में अच्छा कर रहे हैं, बट अगर आप बात कर रहे हैं टीम आईडी और राइवलरी स्पोर्ट्स की तो स्पॉट बहुत अच्छा है आईडी के पास। देखिए सदर्न ओरिएंटेड ड्रॉप के पास सदर्न ओरिएंटेड सर्कल के बाद अगर आप नॉर्दर्न एरिया पर जाते हो तो पता लगता है कि कुछ ना कुछ प्लान तो यहाँ पर बहुत जबरदस्त तरीके से आईडी एग्जीक्यूट करती है, एंड दिस इज ओनली रीजन वी कॉल देम द मोस्ट टैक्टिकल टीम, टैक्टिकली स्ट्रॉन्ग टीम मुझे काफी लगती है। तो मौका नहीं देंगे गाड़ियों के क्लस्टर के बीच में आइक्विनॉक्स बच गए, फीलिंग सैड फॉर आइक्विनॉक्स नाउ, ऑलमोस्ट ये क्लच किया जा सकता था लेकिन प्रधान ने वो जहाँ पर आप बोल रहे थे पैनिक रूम एंट्री करते प्री फायर करते, बट शायद उनको एग्जैक्ट नहीं पता होता कि खिलाड़ी किस डायरेक्शन में जाता है, उनका जो क्रॉसर है वो अच्छी डायरेक्शन पे जाता जरूर लेकिन वो काफी ज्यादा बोल सकते हैं कॉर्नर पे अपने आपको हाइड करके रखते हैं। लेकिन इसी बीच एस्टेक स्पोर्ट्स का भी एलिमिनेशन यहाँ पर आता है, 7C के खिलाड़ियों के जस्ट कंपाउंड के बिहाइंड साइड पे थे, शायद उन्होंने वहां पर फिनिश स्पीड पे ध्यान दिया होगा और अब ये देख सकते हैं यहाँ पर मोलोटॉप करके ही फिनिश, अमेरिका से कुछ ज्यादा बुलेट्स फायर तो कर ही नहीं उनके ऊपर। या प्रिंस जिस तरीके की आई चिलिंग यहाँ पर कर रहे हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अपने एरिया पर काफी स्ट्रॉन्ग हो और जब आपका सर्कल आए तो वो मैच आपका होना चाहिए, और वो ये कर दिखा रहे हैं फार्म के एरिया के आसपास का सर्कल सेवन सीज को अगर मिल जाता है तो आई थिंक प्रिंस के लिए तो वो यू नो आंखों में डॉलर बन जाते हैं, रिच के बन जाते थे, तो कहीं ना कहीं प्रिंस आज के सर्कल से काफी खुश रहे होंगे। फार्म को गेमिंग की अगर आप बात करेंगे तो निक बाबर एक अच्छा स्लैम यहाँ पर प्लान किया जा सकता है जिसमें तीन फिनिश पॉइंट्स ऑलरेडी अर्जित कर चुके हैं, वर्ल्ड के पास अच्छा सर्कल है, 8 बेटे एक अच्छे मूव पर है, 7C को जोन के अंदर जाने में उतनी मुश्किल होगी नहीं, बट अगर आप कॉर्नर्स की बात करें आईएनडी और ईस्पोर्ट्स एम्पायर काफी ज्यादा स्प्लिट में, आप देखिए बाकी के जो प्लेयर्स हैं टीम आईएनडी के वो पोटैटो इन पर अभी भी रुके हुए हैं, और स्लेयर मेरे ख्याल से ईस्पोर्ट्स एम्पायर के साथ फाइट में थोड़े बहुत इन्वॉल्व, क्लच गॉड जहां पर नॉकआउट होने स्लो करके रिवाइवल देने की प्रक्रिया है वो शुरू की जाने वाली है, बट स्लेयर का वहां पर रुकना माय भी खतरे से खाली नहीं क्योंकि तीन खिलाड़ी मुझे वहां पर ईस्पोर्ट्स एम्पायर के जाते हुए नजर आ सकते हैं, अगर उन्होंने वहां पर स्लेयर को खिले पा गया तो हो सकता है कि स्लेयर वहां पर फिनिश ऑफ होते नजर आ जाए, बट शायद उन्होंने जो अपनी लोकेशन है वो बिल्कुल भी डिस्क्लोज यहां पर बिल्कुल भी नहीं की है। बात कर रही मार्कोस गेमिंग की, काफी यहाँ पर लोकेशन है उनके पास, कवर भी यहाँ पर है उनके पास, वेकल्स है तो कवर भी क्रिएट यहाँ पर किए जा सकते हैं, लेकिन इसी बीच रोटेशन के दौरान टीम आई एंड आतंकी यहाँ पर होते हुए नॉकआउट, बीचों बीच तो सर्कल की कोई नजर ही नहीं आ रहा है यहाँ पर, अगर आप देखेंगे तो अजीत को नॉक कर देते हैं जिसके हम बात कर रहे थे गेंदों की लेट रोटेट कर तो रहे हैं बट गेट कीप करना उतना ज्यादा नहीं पड़ा, और यहाँ पर को सेवन सीज के प्लेस तो आज रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, अभी तक भी यहाँ पर कॉर्नर सी प्रायोरिटाइज किया जा रहा है, एक मिनट की टीम ऑन द अदर साइड कहीं ना कहीं उनका सेंटर एंजॉय तो कर रही है बट वो फिनिश पॉइंट्स उनके पास नहीं आ पा रहे हैं। दलजीत जो की नॉकआउट है, क्या उन्हें रिवाइवल मिल पाएगा, क्या इंडी के बाकी बचे हुए प्लेयर्स उनके अंदर अपना रास्ता क्लियर आउट कर पाएंगे, रुके जरूर से हैं आए हैं यहाँ पर स्मोक के अंदर इंतजार कर रहे हैं, बट वहाँ पर दलजीत को यहाँ पर बचा सकते हैं बट जी नहीं, समय नहीं था और ऊपर से जोन श्रिंकिंग भी यहाँ पर स्टार्ट हो चुका था, और ऊपर से ये जो टॉप हाई रिस्क का जो एडवांटेज यहाँ पर टीम उठा रही है वो बिल्कुल काफी डिस्टर्ब यहाँ पर करती थी, स्लेयर को यहाँ पर काफी यहाँ पर करके गाड़ी पड़ी है, लेकिन मैक्स का अगर इस तरह से यहाँ पर इसको सैनो कोट अगर बना देंगे तो फिर आईएनडी इस तरह से सर्वाइव बिल्कुल भी नहीं कर पाएगी, और स्नैक को बिल्कुल अंदाजा नहीं लग पाया था, रोशन का सही जरूर था लेकिन माय भी स्टिल जब कोई खिलाड़ी प्रोन होकर बैठ रखा और ग्लासेस इतनी बड़ी हो एक्सेक्ट लोकेशन मतलब निकाल पाना बहुत मुश्किल है। अरे मैक्स कैश के लिए क्या मुश्किल मैन, ही इज मैक्स कैश, एंड ये कहीं ना कहीं यहां पर भी रिवाइवल खोज रहे हैं, एमजे यहां पर स्मोक क्लाउड बनाकर रिवाइवल देने का प्रयास करेंगे, बट डीचर से 7 सीज के प्लेयर्स बैक टू बैक रेडियस करने वाले हैं, उस प्ले को जाएगा कनेक्शन जीएक्सआर का प्लेयर को एलिमिनेट करके बहुत ज्यादा जबरदस्त फिनिश पॉइंट्स यहां पर कंप्लीट करती हुई टीम 7 सीज ऑन टू द अदर साइड। अगर बात करें स्लैमन की तो देयर यू गो गॉड लाइक की टीम रेवेनेंट पर थोड़ी सी भारी पड़ती हुई और क्या जबरदस्त तरीके से लूट कर रहे हैं यहां पर, लुकिंग रियली हंग्री फॉर द लूट राइट, बट कहीं ना कहीं अब जोन के अंदर जाना पड़ेगा और मुकाबला रहेगा
अपसेटिंग गॉड लाइक और सेवन सीज का देखने वाला। ओह, सेवन सीज के प्लेयर्स रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, जो प्लेयर्स नॉकआउट कर रहे थे गॉड लाइक ने, उनका भी फिनिश पॉइंट टीम सेवन सीज के नाम, हर जगह यहां पर सेवन सीज का ही नाम है। और अच्छी बात यह कि जितनी बार भी फिनिश फील्ड में आया लेफ्ट हैंड साइड पर ही आया। जी हाँ, मेरे इससे पहले भी काफी फाइट हमें देखने मिली थी सेवन सी के द्वारा, जो मतलब फिनिश स्टिल भी कर रहे हैं, खुद के दम पे भी फिनिश निकाल रहे हैं, और जब मौका मिल रहा है अपॉर्चुनिटी मिल रही तो फिनिश स्टिल भी यहाँ पर कर रहे हैं। और ये पार्ट ऑफ गेम है भाई, भी ऐसा नहीं होता कि आप फिनिश स्टिल कर रहे हैं तो आप अच्छी टीम नहीं है, वैसे पार्ट ऑफ गेम है, ये हर टैक्टिक्स का ही पार्ट है। लेकिन इसमें टीम गॉड लाइक जो बड़े थे यहाँ पर स्लैमिंग कर रहे थे डेविड के ऊपर, शायद अंदाजा नहीं था ओमेगा भी यहाँ पर सीरीज चौक चुके हैं, यहाँ पर टेक डाउन कर पाते हैं। लेकिन ये दोनों जो खिलाड़ी है जॉनथन भी आगे जाने की कोशिश कर रहे थे, जिम्मेदारी यहाँ पर जोन का काफी अच्छे देर से फायदा उठा रहे थे, 8 फीट के प्लेयर्स वो एक बार फिर से सर्वाइव कर देंगे और सर्वाइव कर देंगे। वहां पर रेवेनेंट की आईजीएल है, काफी स्मार्ट मूव में यहाँ पर कहूंगा, दो दो जगह से डैमेज मिल रहा था, बावजूद उसके सर्वाइव करते आपको देखने मिल गया। बट अब अक्षर तिवारी ओपन नाथ प्लेस को नॉक करने का एक अच्छा मौका, फेंक नीचे टूटने वाला था, बट तक ना कहीं वहां पर बाल बाल बच जाएंगे। मेरी नजर में अक्षर को वहां पर ग्रेनेड कर देना चाहिए, क्या आपकी नजर में यहाँ पर गेम को वो उतना डिस्टेंस ट्रैवल कर पाएगा या फिर मुश्किल होने वाला है? देखिए, अगर ओपन में रहते तो शायद ग्रेनेड इजिली जा सकता है, आप एक कंपाउंड के अंदर से खिड़की के थ्रू उतने डिस्टेंस को आप ट्रैवल नहीं करवा सकते मेरे ग्रेनेड को, या तो आपको कंपाउंड से बाहर निकलना पड़ेगा, तभी बेस्ट ऑप्शन है। और वो जिस तरह से स्प्रे कर रहे थे, आपके मन में एक खासकर लाला चाहते हैं, जब दो तीन खिलाड़ी आते हैं तो सब में स्प्रे ट्रांसफर करके, बट स्टिल किसी को भी वहां पर डैमेज ज्यादा नहीं दे पाए। लेकिन इसलिए यहाँ पर अक्षु ने एक खिलाड़ी को यहाँ पर स्पॉट आउट कर दिया है, लेट्स सी क्या स्प्रे गॉड यहाँ पर नॉकआउट हो पाएगी कि नहीं, और स्प्रे गॉड को अब स्मोक पाथ ही यहाँ पर बचा सकते, क्योंकि एग्जैक्ट लोकेशन तो उनकी यहाँ पर डिस्क्लोज हो चुकी है, थोड़े से कम है, जो रिवाल देना पड़ेगा। आप सेवन सीट का स्प्रेड देखें, एक जगह आपको सारंग मिलता है, दूसरी जगह ट्रैप में आपको लादीन मिलेंगे। रेवेनेंट क्या है, जल्द जोन के बाहर है, थोड़ा सा हील बैल का सहारा लेते हैं ताकि कुछ बेहतर पोजीशन पॉइंट्स अपनी टीम के लिए अर्जित कर पाए। सेवन सीट के प्लेयर्स एक अच्छे सर्कल में अभी भी, और स्प्लिट बड़ा जबरदस्त उन्होंने बना रखा है, चार टीम बच जाएंगी। वी आर हैविंग टीम 8 बिट, वी आर हैविंग स्काईलाइट्स, वी हैव सेवन सीट एंड वी हैव रेवेनेंट ईस्पोर्ट्स, जिनके नंबर शायद बहुत ज्यादा नहीं बचे हैं, और ये मैच अभी तक जिस टीम के इर्द गिर्द घूमता रहा। ओ, अक्षुण ने स्पॉट कर लिया था, बट स्प्रे गॉड ने उन्हें पिकअप कर लिया। आखिरी उम्मीद जरूर थी, फाइनली कंफर्मेशन आता हुआ, क्योंकि हमने देखा था टीम गॉडलाइन ने रेवेनेंट के बंदों को फिनिश ऑफ करा था, लेकिन कंप्लीट वाइप आउट नहीं हुए थे। आईजीएल एक आखिरी उम्मीद जरूर थे, बट अभी के लिए माई भी यहाँ पर आखिरी तीन प्लेयर्स, आखिरी तीन टीम्स हमें देखने को मिल रही है, जिसका आपने नाम भी यहाँ पर जिक्र था, टीम 8 बिट, टीम स्काईलाइट्स गेमिंग एंड सेवन सीज। और सेवन सीज तो चाहती भी है, कल जब हम आप जब इंटरव्यू यहाँ पर रहा था, जब वो टॉप यहाँ पर रहे थे, तो उन्होंने बताया भी था कि स्टार्टिंग के तीन चार मैचेस तो उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन करा, लेकिन आखिरी के कुछ मैचेस से वो नाखुश थे, बट आज वो चाहते हैं कि आज का जो दिन है, आज का जो स्टार्टिंग परफेक्ट मिले और इसी को मेंटेन करते रहे, ताकि जो टॉप टेबल की जो टीम होती है, मतलब जो पोजीशन की टीम होती है, उसको काफी अच्छा खासा बफ मिल सके। यहाँ पर मिल भी रही है, बढ़िया लूट मिल रही है, किल्स की अगर आप फिनिशेस की बात करें तो बहुत जबरदस्त फिनिशेस मैं कहूंगा इनके पास। सामने आपको मिलते हैं स्काईलाइट्स के प्लेयर्स, ओ पुकार बाबा अच्छू को डाउन कर जाएंगे, कमला बहुत पूरी तरीके से फिनिश ऑफ कर देंगे, तो 8 बिट की टीम यहां से एलिमिनेट होती हुई। वी हैड 8 बिट अक्षु आउट देयर, 8 बिट वीर आई थिंक इज सर्वाइविंग, जो कि एक अच्छे स्पॉट पर जरूर से है, वेट कर सकते हैं दोनों की फाइट शुरू होने का। मेरे हिसाब से यहां पर वीरू को अभी के लिए डैमेज नहीं देना चाहिए जब तक इन दोनों की फाइट शुरू नहीं हो जाती, टॉप टू इनका क्लियर है। अगर यहां पर ये डैमेज ना दे, मेरे हिसाब से रुके रहे तो मौका बन सकता है, बट पीछे से जोन आ गया गेम, सो ये शायद थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। वीरू को अब नीचे आना ही पड़ेगा, बट पहला नॉक कहां से निकालेंगे, क्या हील बैटल कर सकते हैं? आई थिंक यस, ये हील बैटल कर रहे हैं, और आखिरी टाइम में जब प्लेयर्स को नॉक पाएंगे तो जाते जाते वो दो फिनिश पॉइंट्स में निकाल जाए, तो मेरी नजर में वो हील बैटल करना एक बेहतर ऑप्शन हुआ है। अभी तो पता नहीं क्या थिंकिंग चल रही है, लेकिन हील बैटल के साथ आप वो भी दो फर्स्ट विकेट, आप ये चीज नहीं कर सकते। लेकिन भाई भी आपसे पूछा जाता, सारंग जब उनको दिख गए थे, क्योंकि स्मोक वहां पर क्रिएट करें नो डाउट, तो वहां पर थ्रोबल्स फेंके जा सकते थे उनके द्वारा, इन दोनों की फाइट यहाँ पर देखने में अलग ही लेवल का मजा आने वाला है। दो खिलाड़ी वहां पर कवर के पीछे है, दोनों के पास अभी सर्कल भी है, एक और शिफ्ट आएगा, सर्कल किसके पास आएगा, देखने वाली टीम पर इनको सर्कल की खास जरूरत है। नॉक निकाला गया है वहां पर, स्लैम डालने की बारी यहाँ पर आ जाती है, लुक एट द फिनिश पॉइंट, 23 फिनिश पॉइंट यहाँ पर सेवन सीज की टीम के पास। अरे गॉड, हो गया यार, एक ग्रेनेड 25 फिनिश पॉइंट का ये चिकन डिनर, टीम सेवन सीज का इंतजार करता हुआ, बैक टू बैक ग्रेनेड स्पैम किया जाने वाले, जो प्लेयर नॉक आउट का रिवाइवल भी मिल जाएगा, बैक टू 3v2 का ये फाइट। अलादीन के ग्रेनेड्स कनेक्शन कई बार नहीं भी ढूंढ पा रहे, पेड़ के पीछे बैक टू बैक ग्रेनेड्स किए जाने वाले हैं, बट यू नो अभी भी मोमेंटम शिफ्ट हो सकता है, जो एक नॉक हुआ था वो वापस रिवाइवल लेके जा चुका है, और एक बार 25 फिनिशेस का चिकन डिनर फॉर टीम स्काईलाइट्स। हर जो जगह पर फाइट हुई है वहां पर सेवन सीज का नाम आ रहा था, ये हम देख रहे थे, बट 23 फिनिशेस
छलांग हो तो ऐसी हो यार। देखिए भाई भी हम उनकी फिनिशेस की जिक्र कर रहे थे बट उनके काउ नंबर ऑफ फिनिश पे हमने ध्यान नहीं दिया। मैच इतना इंटेंस चल रहा था, हमने वहां पर नंबर ऑफ फिनिश उनके देख ही नहीं पाए। और मैंने भी माइक को दिखाया, मैं भी जरा फिनिश पे नजर दौड़ाइए एंड ये देखिए काफी अच्छी खुशी उनको यहाँ पर मिलती है। और एक ये जो परफॉर्मेंस है, मतलब अगर मैं बात करूँ 40 तक यहाँ पर लेके जाने वाले और रिकॉर्ड ब्रेक कराए। देखिए इससे पहले हम बात करूँ जो हाईएस्ट फिनिश हमें इस इवेंट में देखने मिला वो है 19 फिनिशेस टीम आईएनडी ने निकाल के दिखाया था, बट यहाँ पर रिकॉर्ड ब्रेक किया गया 25 फिनिश के साथ। मतलब ओवरऑल अगर मैं बात करूँ 40 अंक वो ऐड करने वाले।